नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। हमारी आदत होती है कि हम कुछ भी सामान लाकर उसे फ्रेश रखने के लिए सीधे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये आदत आप पर भारी भी पड़ सकती है। दरअसल कई ऐसी खाने की चीजें होती हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर असर पड़ सकता है, और इसी वजह से वो हेल्दी फूड भी आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। उन्हीं में से एक है शहद। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शहद को फ्रिज में स्टोर करना चाहिए या नहीं। आपने अक्सर अपने घर, दोस्त या आसपास के लोगों में से किसी को भी देखा होगा, जब भी नाश्ता स्टोर करने की बात आती है सब तेजी से फ्रिज की तरफ दौड़ पड़ते हैं, बिना ये जाने समझे कि इस चीज को फ्रिज में रखने की जरूरत है भी या नहीं। वहीं शहद की बात की जाए तो शहद खाना सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर शहद को खाने की कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि रोजाना बहुत कम लोग शहद इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग शहद को खराब होने के डर से फ्रिज में रखना जरूरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में रखने से शहद में क्रिस्टल बनने लगते हैं। ऐसे में इसका स्वाद तो खराब हो ही जाता है, साथ ही इस शहद को खाने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। ज्यादातर लोग ये बात भी नहीं जानते कि शहद को अगर फ्रिज में स्टोर किया जाए तो ये टेस्ट और टेक्सचर दोनों तरीकों से बदल जाता है। शहद को फ्रिज में रखने पर यह क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, किसी ठोस और पारदर्शी पत्थर की तरह दिखने लगता है। इसके साथ ही खाने में इसका इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो जाता है और इसका स्वाद भी बदल जाता है। इसलिए शहद को हमेशा कमरे के तापमान पर ही रखना चाहिए। अगर कभी शहद को निकालने में मुश्किल हो तो इसके जार को कुछ देर के लिए गर्म पानी में रख दीजिए, शहद पिघल जाएगा। इसके अलावा शहद फ्रिज में रखने से टाइट हो जाता है और आप इसे खा नहीं पाएंगे। शहद को लेकर कहा जाता है कि इसे सालों तक रखा जा सकता है और इसके लिए फ्रिज की भी जरूरत नहीं होती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।